सो ही गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ कुछ ऐसे हाई ग्राफिक्स वाले गेम जो कि तुम लोगों ने शायद ही देखे होंगे। एंड गेस व्हाट, इन गेम्स को तुम पीसी में नहीं अपने फोन में भी खेल सकते हो। और तुम लोगों उन गेम्स को खेल के बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। पीसी वाले गेम्स की वाइब्स आने वाली है, बट वो तुम लोग फोन में ही खेल पाओगे। और जितने भी मैं गेम्स बताने वाला हूँ वो सारे 1 GB के अंदर होने वाले, कुछ कुछ तो यार 100 MB के भी होने वाले, मतलब उन सभी को तुम लोग इजिली डाउनलोड भी कर पाओगे। तो चलो फिर फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो नंबर 1 पे हमारा गेम आता है वो एक एडवेंचर टाइप गेम है। एंड इसमें तुम लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छी ग्राफिक्स देखने को मिल जाएगी। एंड इसमें जो तुम लोगों को कैरेक्टर देखने को मिलेगा वो एक बच्चा होने वाला है, एंड उसका फ्रेंड होने वाला है एक बर्ड जिसको तुम लोग कंट्रोल भी कर सकते हो। एंड इसके अंदर तुम ओशंस के अंदर डिस्कवर कर पाओगे, राफ्ट रहेगी तुम्हारी जिसको तुम कंट्रोल कर पाओगे, अपने बर्ड को भी तुम कंट्रोल कर पाओगे। एंड इस गेम में तुम लोगों को ढेर सारा एडवेंचर देखने को मिलेगा, ढेर सारे मिशंस तुमको देखने को मिलेंगे, एंड अपने बर्ड को भी तुम कंट्रोल कर पाओगे, उसके साथ भी खेल पाओगे, कुछ मिनी गेम्स भी देखने को मिलेंगे। एंड एक बहुत ही अच्छा स्टोरी लाइन वाला गेम होने वाला है ये। तो बेसिकली ये गेम एक अच्छी ग्राफिक्स के साथ तुम लोगों को एक अच्छी स्टोरी लाइन भी प्रोवाइड कराने वाली है। और अगर तुम लोगों को स्टोरी लाइन वाली गेम्स पसंद है तो ये तुम लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगने वाली है। तो अगर तुम लोगों को ऐसे टाइप के गेम अच्छे लगते हैं तो तुम लोगों को ये वाला गेम द स्टॉर्म बॉय ट्राई करना चाहिए। और अगर तुम लोग हाई ग्राफिक्स के साथ साथ नेचर को भी एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो जो नंबर 2 पर गेम है वो तुम लोगों के लिए ही है। इसमें तुम लोगों को हाई ग्राफिक्स के साथ साथ वाइल्ड लाइफ एक्सपीरियंस भी देखने को मिलेगा। तो ये वाला जो गेम होने वाला है ये भी एक एडवेंचर टाइप गेम होने वाला है। तो इसमें बेसिकली तुम लोग वाइल्ड लाइफ को एक्सपीरियंस कर पाओगे, जैसे कि जो एनिमल्स है वो क्या क्या करते हैं, इवन तुम लोग एनिमल्स को कंट्रोल भी कर पाओगे। इसमें तुम लोग बहुत सारे एनिमल्स को कंट्रोल करने का ऑप्शन मिल जाता है। अगर तुम लोग कोई बर्ड बनना चाहते हो तो तुम बर्ड भी बन सकते हो, या तुम लोग को कोई पिग बनना है या हॉर्स बनना है तो तुम वो भी बन सकते हो। एंड लिटरली यार ये गेम बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे भी। इवन तुम लोग छोटे से छोटे एनिमल्स से लेकर बड़े से बड़े एनिमल्स तक भी बन सकते हो, जैसे कि ये देखो पोलर बियर भी यहाँ पर बन सकते हो तुम लोग। और एडवेंचर की बात करें तो इस गेम में भी तुम लोग को ढेर सारे एडवेंचर्स देखने को मिलने वाले हैं, ढेर सारे मिशंस भी होंगे इस गेम में, एंड तुम लोग एक्सपीरियंस कर सकते हो वाइल्ड लाइफ को साथ में नेचर को भी। एंड इस गेम की ग्राफिक्स भी काफी अच्छी है। तो अगर तुम लोग इस टाइप के गेम पसंद आते हैं तो तुम लोग को ये वाला गेम वाइडरलेस बहुत ही ज्यादा अच्छा लगने वाला है। और जो नंबर 3 पर गेम आता है उसमें तुम लोग को हाई ग्राफिक्स के साथ साथ फर्स्ट पर्सन व्यू देखने को मिलने वाला है। एंड इसकी जो स्टोरी लाइन है वो पूरी इजिप्ट पर बेस्ड है। इसमें तुम लोगों को इजिप्ट के मॉन्स्टर्स देखने को मिलेंगे, वहाँ की ममीज देखने को मिलेगी जो कि तुम लोगों को अटैक करेगी, एंड तुम लोगों को डिफेंस करना है अपने आप को। इसमें तुम लोगों को बहुत सारे मिशंस देखने को मिलने वाले हैं, एंड बहुत ही ज्यादा एडवेंचर वाला ये भी गेम होने वाला है। एंड इसमें तुम लोगों को सर्वाइव करना पड़ेगा उन मॉन्स्टर्स से, उन ममीज से। एंड तुम लोगों को यार एक गन भी मिलेगी जो कि पिस्तौल मिलेगी, एंड बहुत सारे वेपन्स भी मिलने वाले हैं। अलग अलग वेपन्स मिलेंगे, मॉल्टोव्स मिलेंगे जो कि तुम लोग देख पा रहे हो अपनी स्क्रीन पे। और लिटरली इस गेम में सर्वाइव करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है, क्योंकि तुम लोगों को इस गेम में बहुत सारे ट्रैप्स देखने को मिलने वाले हैं। और साथ में जो ममीज होगी वो अटैक करेगी, स्केलेटन्स रहेंगे जो इस अटैक करेंगे तुम लोगों के ऊपर, एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक गेम होने वाला है। तो अगर तुम लोगों को कुछ ऐसे गेम की तलाश थी जिसमें तुम लोगों को फर्स्ट पर्सन व्यू के साथ साथ एक अच्छा ग्राफिक्स मिले, तो तुम लोगों के लिए द एंडलेस नाइटमेयर गेम सबसे बेस्ट रहेगा। और जो नंबर 4 पर गेम आता है उसमें तुम्हें एक्सप्लोर करना पड़ेगा, अलग अलग वेदर्स में, अलग अलग क्लाइमेट्स में तुम लोग एक्सप्लोर करना पड़ेगा। इसमें चैलेंजेस तुमको मिलने वाले हैं, ढेर सारे मॉन्स्टर्स आने वाले, एकदम जाइंट वाले मॉन्स्टर्स आएंगे, एंड बहुत सारे एनिमी होने वाले हैं। तुम्हें सर्वाइव करना पड़ेगा ढेर सारे जॉम्बीज से, एंड बहुत सारे इसमें एनिमीज होने वाले, तुम्हें कुछ बिल्ड करना पड़ेगा। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें बिल्ड कर सकते हो। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि तुम लोग जो भी बिल्ड करोगे तुम अपने फ्रेंड्स के साथ भी बिल्ड कर सकते हो, मतलब तुम लोगों को मल्टीप्लेयर का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा इस गेम में। और ये एक ओपन वर्ल्ड गेम होने वाला है, इसमें तुम लोग को नेचर से रिलेटेड बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ेगी, अलग अलग वेदर्स को फेस करना पड़ेगा, अलग अलग क्लाइमेट्स को फेस करना पड़ेगा। एंड इसमें भी तुम लोग को बहुत सारी चीज़ें बिल्ड करने को मिलेगी, बहुत सारे रिसोर्सेस होने वाले हैं, एंड सभी को तुमको कलेक्ट करना पड़ेगा। एंड एक तरीके से ओपन वर्ल्ड गेम में जो जो चीज़ें होती है सारी होने वाली है। इसमें तुम लोग टूल्स क्राफ्ट कर सकते हो अपने, जैसे माइनक्राफ्ट में हम लोग करते हैं, एंड एनिमल्स को किल कर सकते हो, इनसे जो रिसोर्सेस मिलेंगे उससे तुम अलग अलग चीज़ें क्राफ्ट कर सकते हो, एंड बिल्ड कर सकते हो अपने हाउसेस को, डेकोरेट कर सकते हो बहुत सारी चीजें।
और इस गेम के जो एनिमी होने वाले हैं उनको हराना इतना आसान नहीं होगा। मतलब इस गेम को इतने अच्छे से डिजाइन करा गया है कि इसके जो बॉट्स है वो एक रियल प्लेयर जैसा खेलते हैं। मतलब तुम लोग समझ रहे हो यार, इससे गेम का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा एंड तुम लोगों को यार बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है इस गेम को खेलने के बाद। तो अगर तुम लोग कुछ ऐसा ही गेम ढूंढ रहे थे जिसमें तुम लोग हाई ग्राफिक्स देखने को मिले, नेचर से तुम लोग रिलेट कर पाओ, रिसोर्सेज खुद से इकट्ठा करना पड़े, अपनी चीजें खुद से बिल्ड करना पड़े एंड सर्वाइव करना पड़े, तो तुम लोगों के लिए ये गेम न्यू डाउन सबसे बेस्ट रहेगा। तो आई थिंक आज की इस वीडियो में इतना काफी होगा। मैं मिलूंगा तुमको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।